उसने विश्वास कर लिया। जब वो अपने घर गई, फिर उन्हें बताया कि सद्गुरु कबीर साहब ने ऐसा बताया, घर में सब लोग अच्छे थे। फिर दूसरे महीने कार्यक्रम में आए, सत्संग हुआ, अपने घर भी किया। ऐसे भाव बढ़ने लगा, साधु संतों को गांव में ले जाने लगे, गांव में सत्संग चलने लगा और वो साधना भजन करने लगी। जो बेम भ्रम थे धीरे धीरे दूर होने लगे और आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगी। जब अंदर की ताकतें जागृत होने लगी, आध्यात्मिक शक्ति प्रकाश से जुड़ी, वो नाम से डोरी से जुड़ी, तब उसको एहसास हुआ कि जिस धन को अपन ढूंढ रहे थे वो तो गुरुदेव ने दे दिया है, वो अपने अंदर ही है। जिस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं वो गुरुदेव ने उसका मार्ग बता दिया है, वो अंदर ही है। तो उसको अनुभव हुआ, क्योंकि तन थिर मन थिर वचन सुरत निर्थिर हो के कबीरता दास का पलन पकड़े पड़े, तो इस तरह से स्थिरता आई, दिनचर्या अच्छी बनाई और नाम स्मरण भजन साधन चलने लगा। तो उसको भाव छूट गया कि जो ये भाव था, संकीर्ण भाव था कि मैं एक स्त्री हूं, मैं क्या कर सकती हूं, तो सारे भाव छूट गए उसके और उसके अंदर ये भाव आ गए, मैं भी परमात्मा की अंश हूं, मैं भी उस मालिक की अंश हूं। तो इस तरह से अनेक भ्रांतियां थी वो दूर हुई। तो इसे कहते हैं सत्संग से जागृति आना। तो सत्संग से जागृति आती है जीवन में। तो उसके गांव में मतलब जो है कोई सत्संगी नहीं था, तो उसको आशा थी कि अगर मेरे कोई पुत्र हो जाएगा तो इसी लालच से लोभ से कोई कोई मतलब लोग सत्संग में लग जाएंगे। तो लोगों को तो क्या है कि सुख चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, गोली चाहिए। अब उनको चॉकलेट वगैरह दिया तो अपना आप आ जाए। तो इसी तरह से दुनिया को क्या चॉकलेट चाहिए, बेटा नहीं तो बेटा मिल जाए ऐसी चॉकलेट चाहिए, कोई मकान नहीं है तो जमीन मिल जाए, ये तो इसको कहते हैं सकाम कर्म। तो सकाम कर्म से खिंचाव होता है लोगों का। तो उसने भी कहा कि मेरे भी कोई बिस्तर का रुखाड़ा, गुदड़ों का रुखाड़ा नहीं है, संतान नहीं है, अगर हो भी जाए तो मेरे परिवार वाले कितने खुश होंगे। तो इस तरह से वो भजन करती रही, करती करती एक दिन ऐसी साहिब की कृपा हो गई। फिर 9 महीने बाद में उसके पुत्र हो गया। तो देखो कबीर साहब की ऐसी दया हुई कि पूर्णिमा के दिन ही उसको पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो पूर्णिमा को हुआ, पूनम के दिन ही हुआ, ऐसी साहिब की दया हुई। तो अब पूर्णिमा के दिन पुत्र हुआ, सखी सहेलिया ने, आप जानते हैं कि जिसके घर में पुत्र होता है तो पुत्र को जन्म देने वाली माँ उस दिन बहुत कमजोर हो जाती, दुखी हो जाती है। हर माता को पता है कि अपने पुत्र को जन्म देते समय उसको कितना दुख होता है, तकलीफ होता है। तो इस तरह से वह ऐसी स्थिति में थी। सखी सहेलियों ने समझाई कि आज पूनम है, तुमने पुत्र रतन को जन्म दिया है, तुम कुछ आहार करो, भोजन करो। तो उसने ये कह के मना कर दिया है कि मैं भोजन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे
साहिब ने पुत्र दिया है तो भक्ति को मैं धारण किए। वचन गुरु महाराज का था कि पूर्णिमा को व्रत रखना, तो मैंने रख लिया। अब मैं आजीवन ये व्रत करूंगी, इसलिए मैं आज भोजन नहीं करूंगी। तो सखी सहेलियां समझाने लगी कि ये जो पुत्र होता है तो सूतक हो जाता है, तो आप सूतक में भक्ति ना करो तो अच्छा है, व्रत ना करो तो अच्छा है। तब वो रत्ना बहन कहती है कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि सतनाम जब सिद्ध हो जाता है उसको कोई सूतक नहीं लगता, तो इसलिए व्रत तो मैं करूंगी और हर हालत में मैं भक्ति करूंगी। तो उसने सहन कर लिया और दिन भर वो भोजन नहीं किए। पुत्र होने के बाद भी और लोगों को ज्ञान सुनाती रही, कथा सुनाती रही, सतगुरु की महिमा सुनाती रही। इस तरह से सखी सहेलियां थी और तो कौन लोग थे उस दिन, तो उनको वो कथा सुनाती रही, सतगुरु की महिमा सुनाती रही, ध्यान साधन की बातें करती रही, गुरु महिमा की बातें बताती रही वो। और ऐसे करते करते शाम हो गई, 5 बज गए। जब समय निकलता कोई समय नहीं लगा और ज्ञान चर्चा होती रही। और उधर क्या हुआ, इसके पति भी कहीं वो क्या करते थे, जैसे कपड़े बेचते थे, व्यापारी थे, तो कपड़े बेच करके घर आए और उनको भी बड़ी खुशी हुई कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और सद्गुरु की जो है भक्ति सत्य है, ऐसा विश्वास हुआ। अब इस तरह से दोनों मिलकर संध्या वंदना किए, भोजन तो सखियों ने बना के तैयार कर ही दिया था। फिर सद्गुरु साहिब को भोग मंत्र द्वारा भोग बोलकर भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में और फिर 1 घंटा 1.25 घंटा सुमिरन किया सत्य नाम का। इतनी हालत खराब होने के बाद भी उस बहन ने सुमिरन किया और सुमिरन करने के बाद में फिर भोजन करवाया सखियों ने उसको। और घर में बच्चों को बुलाया और सबको, बच्चों को भी भोजन कराया। तो इस तरह से कबीर साहब भी कहीं सत्संग करते करते उनके घर पहुंच जाते हैं और 5 संत भी पधार जाते हैं, साथ में बच्चे का नामकरण कर देते हैं और उसको भी जो भी कंठी माला देना वो दे देते हैं। जो गांव में सत्संग होता है फिर लोगों को विश्वास भी बढ़ता है। और इस तरह से 2-4 बार ऐसे सत्संग होते 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 लोग उस भक्ति को धारण करने लगे। तो रत्ना ने पुत्र रत्न की भी प्राप्ति की और आनंद आरती करा करके उसने श्रुति शब्द योग को भी जागृत किया और गुरु का आशीर्वाद लिया। जो गुरु महाराज का आशीर्वाद से वो पुत्र की प्राप्ति करने के बाद भी उसकी श्रुति आगे पहुंच गई। और कहते हैं कि इसी नियम के आधार पर जब रत्ना बहन चलती रही तो उसको अनुभव हुआ, उसकी वाणी अलग से, जैसे कबीर साहब की वाणी वैसे रत्ना की भी वाणी है, धर्मदास जी की भी वाणी है। मतलब उसकी आत्मा इतनी जागृत हो गई कि आज मीराबाई की तरह रत्ना बहन की भी अलग से बुक है, मतलब अलग से उनकी वाणी है। तो इतनी बड़ी वो संत हो गई, जबकि वो सिर्फ एक साधारण स्त्री थी, साधारण उसको ज्ञान था। और कबीर चौरा में कबीर साहब जब ज्ञान देते थे तो वो कभी कभी सुनने के लिए जाया करते थे। तो भक्ति में जब इच्छा पूर्ति होती है, कोई भी इच्छा की पूर्ति होती है, तब भक्ति करने वाले जीव को विश्वास बढ़ता है। विश्वास कम फलदायकम, अर्थात विश्वास करने वालों को फल अवश्य मिलता है। और
यात्रा करने वाले को गंतव्य कब मिलता है? जब वो लोग निरंतर चलते हैं, सही दिशा में चलते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी आज पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर, हालांकि विभिन्न नियम पढ़ते हैं, तो इसको देखते हुए भी आपको सत्संग में उपस्थित हुए, तो यहाँ पे आपको दृढ़ता धारण करनी है। जैसे उस बहन को क्या था, दूसरी बहनें भी भक्ति करती थी, पर नहीं, उसके अंदर एक दृढ़ता थी। भक्ति में दृढ़ता जरूरी है। दूसरा है विश्वास, तीसरा है प्रेम, चौथी है लगन। इस तरह से भक्ति में ये सब जरूरी है। अगर लगन नहीं होगी तो निरंतर मिल नहीं पाते हैं, लगन नहीं होगी तो जाग नहीं पाते हैं, लगन नहीं होती तो सुमरण नहीं कर पाते हैं, तो प्रेम बिना पहुंचे नहीं, तो प्रेम नहीं होगा तो भी जीव वहां पहुंचता नहीं, क्योंकि लोग तो बात बात में लड़ाई झगड़ा करा लेते हैं। कोई छोटी बात हुई, कोई सुमिरन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, तो ऐसी बात लाके डालेंगे कि उसको भी क्रोध आ जाए। तो ये भक्ति मार्ग में कई तरह की अड़चने होती है। तो जिन जिन को पूर्ण प्रेम है, याद रखिए अपने गांव में, अपने पियर में, ससुराल में, या अपने गांव में, कहीं भी शहर में आपको जाना पड़े कोई कारण से और आप भक्ति करो, है तो कोई ऐसा मतलब अवसर जरूर काल लाता है कि आपकी भक्ति की परीक्षा होती है। तो आपकी भक्ति की परीक्षा होगी, सबसे पहले क्रोध आके आपकी भक्ति की परीक्षा लेगा कि इनको क्रोध आता कि नहीं आता। फिर लोभ की बात आएगी, तो लोभ में भी नहीं झुका, क्रोध में भी नहीं इंटरेस्ट लिया, समा गुण धारण कर लिया और लोभ छोड़कर परमार्थ में चले गए, मोह छोड़कर ज्ञान को काम में ले लिया और मद छोड़कर, अहंकार छोड़कर और प्रार्थी बन गए, विनित भाव में चले गए, तो आपको कोई काल कष्ट नहीं देगा। जैसे जीवत मरिए भाव जल तरिए, यानी ये अनुभव किया कि मैं जीते जी मर चुका हूँ, मुझे कोई कुछ भी कहे, अच्छा कहे तो भी ठीक है, बुरा कहे तो भी ठीक है, अच्छा और बुरा इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मैं सत्य क्या है उसको जानना है। तो इस तरह से जो कोई व्यक्ति सत्य के ऊपर चलता है तो वो अकेला जरूर पड़ता है, परंतु उसके साथ परमात्मा होते हैं।